हम लाते हैं टॉप न्यूज, आपके फेवरेट टॉक शोज और अनलिमिटेड एंटरटेनमेंट सिर्फ यूट्यूब पर। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। सब्सक्राइब कीजिए और हम आपको लिए चलेंगे आपकी फेवरेट वीडियो की तरफ। नवाज शरीफ, मरियम नवाज और कैप्टन सफदर रिटायर्ड एहतसाब अदालत में पेश। तीनों रेफरेंसेस को यकजा करने से मुतालिक दरख्वास्त पर समाअत जारी। ये एहतसाब नहीं, इंतकाम है और ऐसा पहली बार नहीं हो रहा। ख्वाजा साद रफी का इल्जाम, कहा जमहूरियत को नुकसान पहुंचाने की कोशिशें की जा रही हैं। मुशाहिदों हैं, नवाज शरीफ को आवाम के दिलों से नहीं निकाला जा सकता। तहरीक इंसाफ और पीपल्स पार्टी जमहूरियत को पहुंचा रही हैं। जीआईटी रिपोर्ट का वॉल्यूम 10 पब्लिक किया जाए, दानियाल अजीज का मुतालबा। ये भी कहा कि जरदारी साहब के केसेस का सारा रिकॉर्ड एहतसाब अदालत से गायब हुआ। मरियम औरंगजेब कहती हैं, झूठे इल्जामात के बावजूद अदालतों का सामना कर रहे हैं। नवाज शरीफ के खिलाफ करप्शन साबित नहीं हुई। सुप्रीम कोर्ट में इमरान खान और जहांगीर तरीन नाहली केस की समाअत आज फिर होगी। गुज़िश्ता रोज ने ऑफशोर कंपनी की ट्रस्ट डीड अदालत में जमा कराई थी। कराची में मंशियात की बड़ी खेप पकड़ी गई। मंगोपीर में 500 किलो चरस बरामद, मुलजिमान फरार हो गए। जलालाबाद में पाकिस्तानी सिफारती अहलकार नवीद इकबाल को गोली मारकर शहीद कर दिया गया। पाकिस्तान का अफगान नाजिमुल उमूर को दफ्तर कर एहतजाज। सऊदी वजीर खारजा आदिल बिन अलजुबैर ने शाह खालिद एयरपोर्ट पर मिसाइल हमले को ईरान की जंगी कार्रवाई करार दे दिया, कहा मुनासिब वक्त पर मुनासिब कार्रवाई होगी। सऊदी अरब में अहम शख्सियात की गिरफ्तारियां, बदनवानी के खिलाफ मुहिम है। तहकीकात का पहला मरहला मुकम्मल होने को है। ठोस शवाहिद पहले ही जमा कर लिए गए हैं। सऊदी अरब के अटॉर्नी जनरल शेख सऊद अल मजीद का बयान। व्हाइट हाउस में तैनात सफेद फार्म पुलिस एहलकारों के कत्ल का मंसूबा नाकाम। अमरीकी खुफिया इदारे ने पेंसिल्वेनिया से मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया। अमरीकी सदर का दौरा जापान मुकम्मल। डोनाल्ड ट्रंप, अहलिया मेलानिया ट्रंप के हमला, जनूबी कोरिया के दौरे पर रवाना हो गए। डोनाल्ड ट्रंप दौरे के दौरान जनूबी कोरियन कयादत से मुलाकात कर काली कोरिया के जौहरी प्रोग्राम के मामले पर गुफ्तगू होगी। और सिडनी में स्पोर्ट्स कार ड्राइवर के काबू से बाहर होकर स्कूल में जा घुसी।